मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं सिलीगुड़ी शहर के खपरेल के पंचकलगुड़ी नेपाली बस्ती में, जहां पे आज कलश यात्रा था। और कलश यात्रा के उपरांत 15 तारीख से लेकर 25 मार्च तक यहां पे शिव महापुराण का कथा का आयोजन किया गया है, जो यहां पे कथावाचक जो हैं उनके मुखारवृंद से आप कथा को सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। हमारे बीच श्री प्रशांत कृष्ण प्राकुंस जी महाराज के मुखारवृंद से आप इस कथा को सुनेंगे, साक्षात माँ सरस्वती उनके मुखमंडल में विराजमान हो करती है, ऐसा यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है। आइए आप सुनिए उनको और सुन करके आनंदित हो जाएंगे। आपको बता दें हमारे साथ कैमरामैन टोली जी हैं और बाबा भोलेनाथ आप समस्त दर्शकों का मनोकामना को पूर्ण करें। जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहां एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहां जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। स्वागत है आपका गुरु जी। तो आज के अनुष्ठान के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आपका स्वागत है। हाँ राधेश्याम, यहाँ श्री शिव महापुराण का आयोजन हुआ है और आज इसका पहला दिन है और कलश यात्रा के लिए हम लोग भव्य तैयारी में निकल चुके हैं। अब जल यात्रा करने के बाद यहाँ के जल को रख कर फिर विधिदान से पूजन करने के बाद शाम से आज कथा होगी, भव्य शिव महापुराण की कथा। गुरु जी का सिलीगुड़ी में पहली प्रथम बार आगमन है कि इसका? नहीं नहीं, बहुत बार आए हैं। ऐसे समय में गुरु जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को, देश को? समाज को बस हम लोग कथा सुनने जाते हैं, भागवत की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, रामायण की कथा होती है। माने हम रामायण की कथा सुनने गए तो एक रावण आया, मैया जानकी का हरण करके ले गया और प्रभु श्री राम गए रावण का वध करके अयोध्या लौट आए और जय जयकार होने लगे। बस यह तो सबको पता है, एक छोटा सा बच्चा से लेकर वृद्ध तक सबको मालूम है रामायण की कथा, लेकिन उस रामायण से हमें क्या लेना है, वो कथा जान के क्या सीख लेनी है, यह चीज़ सीखना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ हम भोले बाबा की कथा सुनने के लिए तैयार हुए हैं सब लोग, तो भोले बाबा से भी बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो ऐसी ज्ञान है जो सीखना चाहिए। बस इसी के लिए हम आह्वान करते हैं सभी हमारे हिंदू सनातन धर्मियों को कि आप लोग आएँ और भोले बाबा को करीब से जानें। गुरु जी आप एक बार अपने मुखारवृंद से अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम प्रशांत कृष्ण परांकुश है और हम श्रीधाम वृंदावन के निवासी हैं। आपका स्वागत था ग्लोबली न्यूज में, मैं पंकज। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए कलयुग में आज की जरूरत को देखते हुए पूजनीय गुरु जी ने अपना समय पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में नेपाली बस्ती पास्कलगुड़ी में शिव महापुराण का कथा का आयोजन किया है। यहाँ के सभी समाज बंधुओं को कोटि कोटि नमन। आज की ज़रूरत है कि अपने हिंदू धर्म हिंदू के हर घर में अपने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, अपने बच्चे जो पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसका रोग ऐसी कथा के आयोजन से ही लग सकती है। हर धर्म प्रेमी अपने बच्चों को, अपने आने वाले जेनरेशन को इस कथा के माध्यम से अपने घर में संस्कार की ऊर्जा का आह्वान कर सकते हैं। मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से आप सभी को अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले 10 दिन जो ये कथा की धारा यहां बहेगी नेपाली बस्ती में, तो इसका लाभ और पुण्य के भागीदार बनने के लिए हर सनातन धर्मप्रेमी को यहां आना चाहिए,
केवल खुद को नहीं अपने बच्चों को बड़े बुजुर्गों को भी इस कथा में सुनने के लिए आना चाहिए। एक सवाल है कि संत समागम से आज के युवकों को क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को। आपने बोला संत समागम, समागम संतों का साथ मिलना ही बड़े भाग्यशाली होते हैं। संत मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स, आपके जीवन में या समाज में जो भी नकारात्मक शक्ति होती है उसको दूर करने का अपने संतों का कार्य है। उनके माध्यम से, उनके वचन से, उनके प्रवचन से ही हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे अपना समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण होता है। मैं लक्ष्मण बंसल, विश्व हिंदू परिषद प्रांत संपादक का दायित्व। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।